हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, इस मॉडल के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास नॉर्थ फेसिंग का फोर रूम का बहुत ही शानदार ये हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। इसी के 3D मॉडल के बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जो हमारा डिज़ाइन है, आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारे पास एक क्लासिक डिज़ाइन है, क्लासिक मॉडल है। बहुत ही अच्छा हमने इसको तैयार किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है और नॉर्थ फेसिंग का वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ ये फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन है। हम लेके चलते हैं आपको इस डिज़ाइन के 3D मॉडल की तरफ। ये हमारे पास का 3D मॉडल होगा, जैसा कि आप देखेंगे। तो इसमें यदि हम इसके पूरे प्लॉट की बात करें, जो हमारे पास इसका ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, यदि हम इसके फ्रंट की बात करें तो 40 फिट का इसका ये फ्रंट रहेगा, और यदि हम डेप्थ की बात करें, गहराई की बात करें, तो 60 फिट की ये हमारे पास इसकी टोटल इसकी डेप्थ रहेगी, जिसमें हमारे पास ये 9 फिट का ये हमारे पास अपना जो आप पोर्टिको टाइप देख रहे हैं, ये हमारे पास जो पोर्टिको का जो डिज़ाइन रहेगा, ये हमारे पास 9 फिट वाइड का हमारे पास ये पोर्टिको रहेगा। बाकी जो लेंथ रहेगी टोटल, ये हमारे पास इसकी 60 फिट की ये हमारे पास टोटल लेंथ है इस पोर्टिको को ऐड करके। तो ये हमारे पास जो टोटल डिज़ाइन है 40 फिट बाई 60 फिट में बना एक शानदार मॉडल है। और इसमें यदि हम इसके पूरे फिनिशिंग की बात करें, तो इसमें हमारे पास जितना भी वर्क आप इसमें देख रहे हैं, ये हमारे पास पूरा ही पेंट फिनिश है। इसके अंदर हमने जो शेड्स हमने जो दिए हुए हैं, शेड्स को हमने सिर्फ टाइल से कवर किया हुआ है, ये हमारे पास इसमें टाइल की फिनिशिंग है। बाकी हमारे पास जो एलिवेशन है, एलिवेशन में आप जितनी भी फिनिशिंग देख रहे हैं, ये हमारे पास अपना पेंट फिनिश में हमने इसको तैयार किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना एलिवेशन डिजाइन रहने वाला है, जो कि इसके सामने का लुक रहेगा। ये हमारे पास इसका एलिवेशन डिजाइन है। ये हमारे पास रहने वाला है इसके लेफ्ट साइड का व्यू, जो कि हमारे पास पूरा ही ग्रूविंग में हमारा वर्क रहने वाला है। और ये हमने इसमें MS की रेलिंग का हमने इसमें यूज किया हुआ है, ये हमारे पास इसमें MS की रेलिंग रहेगी, ये भी हमने इसमें MS की रेलिंग का ही इसमें हमने यूज किया हुआ है। राइट साइड में भी आप देखेंगे, ये भी हमारे पास इसमें ग्रूविंग का ही इसमें टोटल वर्क हमारे पास रहने वाला है, क्योंकि क्लासिक ये हमारा डिज़ाइन है। तो ये हमारे पास अपना एलिवेशन है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इसके 3D प्लान की तरफ। ये हमारे पास अपना 3D में प्लान है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे पास अपना एक पोर्टिको एरिया रहेगा, मीन्स कि बरामदा टाइप का हमारा रहेगा फ्रंट में, और ये रहने वाला है हमारा एक सिटिंग पोर्टिको। ये हमारे पास अपना सिटिंग एरिया है, जिसमें अपना चेयर वगैरह की यहाँ पे अपना सिटिंग वगैरह हम रख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमारे पास जो बरामदा है, जो हमारा सिटिंग एरिया है, इसी से घर के अंदर जाने के लिए हमने इसमें दो डोर का अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पर एक डोर रहेगा, इस डोर से जाएंगे हम अपने ड्राइंग रूम के अंदर, मीन्स कि ड्राइंग हॉल के अंदर हम अपने इस डोर के थ्रू जाने वाले हैं। ये आपको जो डोर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक बड़े साइज का हमारा ड्राइंग हॉल का हमें यहाँ पे डिज़ाइन मिलेगा। ये हमारे पास अपना ड्राइंग हॉल होगा, मींस कि इस रूम को एज ए अपना गेस्ट रूम के पर्पस से यूज करेंगे। जैसे कि हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो गेस्ट वगैरह के लिए हम अपने इस रूम को यूज करने वाले हैं। ये हमारे पास अपना ड्राइंग रूम बोल सकते हैं, या फिर आप इसको गेस्ट रूम बोल सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास ये जो हमारा रूम है, इसको हमने गेस्ट बेडरूम पर्पस हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारे पास अपना एक गेस्ट बेडरूम पर्पस से हमारा डिज़ाइन रहेगा, और इसमें हमारे पास यहाँ पर एक विंडो मिलेगा बड़े साइज का। तो इस विंडो से ही हमारे अपने इस रूम का बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये हमारे पास अपना गेस्ट बेडरूम का ये फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। फ्रंट में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक टॉयलेट का प्रोविजन रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक टॉयलेट रहेगा, जो कि हमारे पास एक फ्रंट साइड में रहेगा। और ये फ्रेंड्स हमारा जो टॉयलेट है, ये हमारे पास अपना फ्रंट में है, जिसमें हमारी जो एंट्री है वो हमारे फ्रंट से रहेगी। और इसमें हमारे पास वादिंग एरिया और टॉयलेट शीट दोनों को इसके अंदर हमने कम्बाइंड ही रखा हुआ है। तो ये हमारे पास अपना टॉयलेट का फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। ये हमारे पास अपना कॉमन टॉयलेट्स है फ्रेंड, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। और ये जो हमारा टॉयलेट है, इसमें हमारे पास वादिंग एरिया और टॉयलेट शीट दोनों को इसमें भी हमने कंबाइंड ही रखा हुआ है। और ये जो टॉयलेट हुआ, इसे फैमिली का कोई भी मेंबर इसे यूज कर सकता है, या फिर कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो वो भी इस टॉयलेट को यूज कर सकता है। ये हमारे पास अपना कॉमन टॉयलेट का ये फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। ये फ्रेंड्स हमारे पास रहने वाला है अपना लिविंग और हमारा डाइनिंग एरिया। ये हमारे पास अपना लिविंग और डाइनिंग एरिया रहेगा, और इसी डाइनिंग एरिया में हमारे पास ये स्टेयर्स को हमने अप कराया हुआ है। यहाँ से जाएंगे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा अपना स्टेयर्स का हमारे डिज़ाइन रहने वाला है, ये हमारा स्टेयर्स रहेगा। और इसके राइट साइड में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक इमरजेंसी डोर दिया हुआ है, इस डोर के थ्रू हम अपने राइट साइड में आ सकते हैं। ये हमारे पास अपने राइट साइड का हमारा डोर रहेगा। तो ये हमारे पास रहने वाला है अपना लिविंग और डाइनिंग एरिया, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये एक अपना स्टेयर्स का घर के अंदर से ही हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है स्टोर रूम का डिज़ाइन, ये हमारे पास अपना स्टोर रूम होगा। और यहाँ पर मिलने वाला है हमें कॉमन बेसिन का डिज़ाइन, ये हमारे पास यहाँ पे कॉमन बेसिन रहेगा। एक छोटा सा पैसेज रहेगा, जिसमें हमें यहाँ पर ये किचन में जाने के लिए एंट्रेंस मिलेगा। ये हमारे पास अपना किचन रहेगा, जो कि हमारे पास ये साउथ ईस्ट में हमारे पास ये
किचन का हमारा डिज़ाइन है। किचन में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक विंडो मिल रहा है, तो इस विंडो से हमारे अपने किचन का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। एक विंडो हमें मिलेगा इसके अंदर साइड में, यहाँ पर भी हमें एक विंडो मिलेगा, तो दोनों विंडोज से हमारे अपने इस किचन का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना किचन का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है बेडरूम का डिज़ाइन। ये हमारे पास अपना बेडरूम होगा। इस बेडरूम में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, तो इस विंडो से हमारे अपने इस बेडरूम का भी बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना एक बेडरूम का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पर हमारा बेडरूम रहेगा। ये फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है अपना एक मास्टर बेडरूम, जो कि एक बड़े साइज का हमारा बेडरूम होगा। इस बेडरूम के अंदर हमें मिलेंगी दो विंडोज़, तो दोनों विंडोज़ से हमारे अपने इस मास्टर बेडरूम का बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम का ये फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन है। तो कुछ इस तरीके से ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना 3D में प्लान है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर हमारे पास तीन बेडरूम हैं, एक बड़े साइज का ड्राइंग हॉल है। ये हमारे पास अपना लिविंग और डाइनिंग एरिया है, जिसके अंदर हमने स्टेयरकेस को कराया हुआ है। साउथ ईस्ट में हमारे पास एक किचन का डिज़ाइन है, और ये हमारे पास अपना स्टोर रूम का डिज़ाइन है। नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास ये दोनों ही टॉयलेट का प्रोविजन रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास दोनों ही टॉयलेट हमारे कॉमन रहेंगे, जिसमें हमारा फ्रंट वाला जो टॉयलेट है इसको हमने गेस्ट के पर्पज़ से हमने इसको फ्रंट में ही इसको रखा हुआ है। तो ये हमारे पास अपना फ्रेंड 3D में प्लान है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये हमारे पास अपना डिज़ाइन है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये हमारे पास अपना ममटी का कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। ये हमारे पास यहाँ पे ममटी रहेगी, और ये हमारे पास जो अपना वेसिन एरिया है किचन के और हमारे स्टोर रूम के बीच में, यहाँ पर हमारे पास एक अपना जाल का प्रोविजन रहेगा। यहाँ पर हम अपना एक जाल का प्रोविजन रख सकते हैं, इसमें हम अपना जाल बनवा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंट जो सीट आती है उसका भी हम यहाँ पर प्रोविजन रख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा मॉडल है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।